हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम जी आए नहीं हैं बल्कि दावत आई है हमें, ये आए हैं दिल्ली बिरयानी, ये शायद आपको नज़र आए। तो ये भाई साहब हमें लेके आए हैं क्योंकि इनको ही दावत आई है। तो ये उस्मान भाई हैं, ये मेरे क्लास वाले हैं और ये हमारे बड़े भाई हैं। जी भाई जन, क्या इनकी स्पेशलिटी है, क्या है? अस्सलाम वालेकुम। इनकी स्पेशलिटी जनाब, एक तो सबसे पहली बात यह है कि इनसे जो कुछ मर्जी आप बनवा लें टेक अवे ऑर्डर पे, ये कराची से स्पेशली शेफ़ इन्होंने बुलाया है, इमरान भाई उनका नाम है, उनसे भी अभी आपको मिलवाते हैं। और अभी यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में इनकी स्पेशलिटी चल रही है एक पुलाव बीफ और चिकन बिरयानी, और उसके साथ स्वीट में इनके पास दूध दुलारी, रसमलाई और मतलब लबे शीरी और बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं जिनको जो अभी आपने नाम लिया था वो क्या था? लबे शीरी। नहीं नहीं, जो अभी गाड़ी में बैठे थे तो आपने कहा था ये वो है? नहीं नहीं, वो एक अलग चीज़ थी, वो इससे प्रतिन नहीं करता, वो मैं आपको बताऊंगा, वो अलग चीज़ थी वो। चले आए आपको अंदर दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा ना भाई आए हैं इंग्लैंड से जी, मेन्यू इनको मैं लेकर आया हूँ साथ, ये आपकी वीडियो शीडियो में ले जाएंगे। क्या हाल है जी, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? शुगर तुम मजा पहुँच गए क्या? आज ये जी इनकी सीटिंग है। फैमिलीज अपस्टेयर, काश भाई फैमिलीज अपस्टेयर है ना? ये फैमिलीज अपस्टेयर है, ये अपस्टेयर, ये वो चावल यूज़ कर रहे हैं। और ईट इन से ज़्यादा इनका टेक अवे चलता है, ये सारे टेक अवे बॉक्सेस हैं। हमने चिकन बिरयानी ऑर्डर की है और साथ में एंड पे देखेंगे कि जो उनके पास डिजर्ट्स हैं। तो पुलाव क्या ख़त्म हो गया? ओहो, पुलाव ख़त्म हो गया क्योंकि हम आए बहुत जल्दी हैं। नहीं, हमने लेट आए हैं और थोड़ा ये कि हमने इनको पहले बेसिकली फ़ोन पे बता दिया था और उसमें हमने बिरयानी का ही बताया था, पुलाव का बताया नहीं था, इस वजह से पुलाव को रोक नहीं सके वो सेल हो गया। लेकिन नेक्स्ट विजिट में आपको पुलाव भी दिखाएंगे। सही। ले लिया, आएंगे आपको पता चलेगा कि। अच्छा भाई, ये पकड़िएगा, एक क्वेश्चन मेरे पास आया। जी जी, बिरयानी तो आ गई तो बोटियाँ कितने हैं? बोटियाँ क्वेश्चन आपका अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान में आपको कुछ ना कुछ तलाश करना पड़ता है बाहर आके। अच्छा, नीचे? हाँ जी, वो सारी वो इसलिए नीचे मैंने रखी है कि गर्म रहे, मौसम ऐसा है आज। अच्छा, ज़रा टेस्ट करके बताएं। हाँ, ज़रा आप टेस्ट करें ना, ये पहले आप टेस्ट करें। मैं तो ऑलरेडी। अच्छा, आप खा चुके हैं? यार मेरा इधर चक्कर लगता रहता है, मंथली बेसिस पे मैं एक या दो मरतबा मेरा इधर का लाजमी होता है चक्कर। अनबॉक्सिंग कर दी? हाँ जी, आपने अनबॉक्स थेरेपी कर ली है? मैं यहाँ पर आता रहता हूँ और अपने ऑफिस में भी हम मंगवाते रहते हैं अक्सर, दोस्त जो हैं हमारे, तो इसीलिए ये तो मतलब काफ़ी फेमस बिरयानी है। जी जी, बेसिकली ये टेस्ट लाहौर में अवेलेबल नहीं है इनके अलावा किसी के पास, क्योंकि ये शेफ़ कराची के, राइट, और ये बहुत छोटी सी उम्र से ये काम कर रहे हैं जो शेफ़ हैं इनके, अब माशाल्लाह वो फुल ट्रेंड है। उधर शादियों के पूरे पूरे खाने ये खुद बनाते थे, तो वहाँ ये गए हैं और लाहौर से इन्होंने इनके हाथ का खाना टेस्ट किया, उसके बाद ये आइडिया आया। बेसिकली सारी इन्वेस्टमेंट उस शेफ़ के ऊपर ही है। सही सही, और वो हम एंड पे आपको उनसे भी मिलवा। पहले खाली चावल खा टेस्ट करते चावलों का।
से स्मोक बिरयानी। स्मोक बिरयानी, स्मोक बचपन ये होता था, हांडी पकाते थे अंदर धुआं चला जाता तो कहते हैं हांडी खराब हो गई। तो अब बारबेक्यू का टेस्ट आ रहा है ना, मज़े की है, मतलब के हक अदा कर दिया इसने। मतलब हमें 18-20 किलोमीटर चल के आने का अफसोस नहीं। इतनी वो स्पाइसी भी नहीं है जो एक बिरयानी मिलती है ना, बिल्कुल जो बहुत फेमस है, वो मैंने खाई है सर। वो तो बेसिकली ज़्यादा ट्रेंड लाहौर में यही चलता है, मिर्च मसाला तेज़ करो, उसी को टेस्ट समझ लिया जाता है। नहीं, नहीं, इसमें टेस्ट है, इसमें टेस्ट है, मिर्च मसाला कम है, टेस्ट ज़्यादा है। अगर आपने लाहौर में कराची का टेस्ट बिरयानी का लेना तो दिल्ली बिरयानी बेस्ट है। लोकेशन इसकी है, लोकेशन क्या है, लोकेशन मुझे लोकेशनों का नहीं पता। भट्टा चौक अगर आप रिंग रोड से भट्टा चौक उधर के, ये रोड कौन सा बार वाला, भट्टा चौक गाजी रोड आगे कहलाता है, ये गाजी गली मेन सिग्नल पे ही है। अभी हम बाइक से उधर आ गएंगे जहाँ से एक रोड बेदिया रोड की तरफ निकल जाता है और एक बेसिकली जो मेन बाहर वाला फाउंडेशन की तरफ चले जाता है हॉस्पिटल की तरफ, उससे पहले ये सिग्नल से अगर ये बाहर वाला रोड जो है साइड से आ रहे तो। हाँ, तो अगर ये बाहर वाला रोड का क्या नाम था, गाजी रोड। हाँ, अगर आप रिंग रोड से आए तो आप भट्टा चौक एग्जिट लें और ये गाजी रोड पर आपको मिलेगी। नाम है इसका दिल्ली बिरयानी, लाहौर में कराची की बिरयानी का टेस्ट। चावल ख़त्म बल्कि सब कुछ ही ख़त्म कर दिया और खाते हुए पसीना आ गया। कहते हैं खाते हुए पसीना आए बंदा हेल्दी होता है, पर इसके दो रीज़न है, जब स्पाइसी ज़्यादा हो तब भी पसीना आता है, पर इसके अंदर स्पाइसी नहीं थी वैसे पसीना आ गया क्योंकि मैंने हुडी पहनी हुई है इस वजह। तो बहुत आउटस्टैंडिंग टेस्ट था, बहुत कमाल था। ये है कि कराची में तो गया नहीं, ये भाई मेरे साथ जो है कि कराची वाले हैं तो इन्होंने कहा कराची में सेम ऐसा टेस्ट मिलता है। तो वही बात मैं जो आप पहले कर रहा था कि अगर आपने लाहौर के अंदर कराची की बिरयानी का टेस्ट करना तो दिल्ली बिरयानी बेस्ट है। यानी बकाया भाई साहब ने पहले खाई हुई है, इनसे पूछ लेते हैं कि इनको कैसी लगी है एज़ यूजुअल। जी भाई साहब, हाँ जी, मुझे तो बहुत पसंद है जी इनका स्पेशली टेस्ट, इमरान भाई के जो ये बनाते हैं, तो अल्लाह ताला ने स्पेशली कोई इनके हाथ में जादू रखा हुआ है, जिनसे आप जो भी चीज़ बनवाएं उसमें ये टेस्ट डाल देते हैं। और मैंने इनके हाथ की तकरीबन ऑलमोस्ट हर डिश इनकी मैंने टेस्ट की है कराची में रहते हुए भी और यहाँ पर। अभी हम आपको उनसे मिलवाते भी हैं इमरान भाई से, जिनके हाथों में अल्लाह ताला ने ये जादू रखा है कि आप उनसे जो मर्जी चीज़ बनवा के खा सकते हैं। और दिल्ली बिरयानी ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर बकायदा इन दो डिशेस के अलावा जो ये रेगुलर सेल कर रहे हैं ऑर्डर पे कुछ भी बनवा सकते हैं, बीफ में, मटन में, कोरमा, कढ़ाई, बिरयानी, व्हाटएवर यू वांट। तो बुलाते हैं इमरान भाई को, मिलवाते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे? शुक्र अल्लाह का। आपका नाम? थोड़ी मोहम्मद मतीउल्लाह जान। मोहम्मद मतीउल्लाह जान, ये वो सिंगर, वो जो एंकर है बस उनसे मिलता जुलता है, उनसे मिलते। और माशाल्लाह बिरयानी खाई है, बहुत टेस्टी थी। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया। अच्छा, आपसे पूछना, ये कितना टाइम हो गया शॉप पर? ये हमें 4 मंथ है, फोर्थ मंथ, चौथा में, मतलब न्यू है। सही सही सही। तो माशाल्लाह न्यू है और इतना खास, बहुत प्यारा टेस्ट था, मतलब बहुत अच्छा था, टेस्टी। तो आपको मतलब कि किस तरह ख्याल आया इस बिज़नेस का कि बिरयानी ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं किया? बिज़नेस तो करना ही था, तो हम सोच रहे थे कि फूड में जाएं, फूड का बिज़नेस करें भाई। तो फिर हम कराची गए थे तो इमरान भाई के जो हैं हमारे शेफ हैं, मैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो हम कोई यूनिक चीज़ लाना चाह रहे थे, तो उनका टेस्ट जो है बहुत अच्छा है। तो वो ये शेफ को कराची से अपने साथ ही ले आए हैं, कराची से ले आए। सही सही। तो इस वजह से मेरा ये भी भाई साहब कराची से है ना, तो इन्होंने मुझे बताया कि कराची का टेस्ट है यार। सो तो लाहौर में कराची काशिफ भाई के ही कज़न है। सही सही। अच्छा, इनके पास अभी मैंने देखा है वहाँ पे शामियाँ भी पड़ी हुई हैं जी, ये भी इसका टेस्ट भी यूनिक है, सबसे लाहौर में ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा। सही सही। और अब ख़त्म हो गई है ना जी बिरयानी का टाइम? देखें जी, हम टाइम 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे ये फिनिश कर चुके हैं।
सो डेली के कितने मतलब के अभी सेल मतलब के मतलब कितने चावल लग जाते हैं, कितने पतीले वगैरह क्या? चावल अभी स्टार्ट में ही हमारे 8-10 पतीले निकल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 8 माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई आइडिया है कितने किलो चावल होंगे तो फिर भी उसको पता चले? 4 तोड़े निकल जाते हैं, 100 kg निकल जाता है। 100 kg अभी माशाल्लाह देख लें, 4 मंथ के अंदर ये नियरली 100 kg को हिट कर रहे हैं तो नॉट बैड। एज सच इन्होंने एडवर्टीजमेंट भी नहीं की, मतलब जैसे होता है ना कि एक एडवर्टीजमेंट प्रॉपर की जाए तो मेरे ख्याल से। और दूसरा इस एरिया से टेक अवे का भी बड़ा सीन था। हाँ वही ना, तो इनका फूड पैंडा के साथ चलता है वो, मैंने बॉक्सेस उधर देखे हैं ना पड़े हुए, तो मेरे हो गया ऑनलाइन ज़्यादा होगा। जो लास्ट 2 मंथ है इसमें रिस्पॉन्स इनका ज़्यादा बेहतर हुआ, जो मुझे इमरान भाई से भी पता चला कि फूड पैंडा के साथ कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ तो फिर इनका काम ज़रा माशाल्लाह थोड़ा रिस्पॉन्स बेहतर हो गया। चले भाई साहब, इसी तरह बहुत जाकला, थैंक यू, बहुत अच्छा टेस्ट है, थैंक यू, थैंक यू जी। फाइनली ये इमरान भाई हैं जो जिनके हाथ में ये अल्लाह ताला ने जादू रखा है कि आपने इनके हाथ का खाना खाया और आप सबको बड़ा पसंद आया। ये कराची से इधर लाहौर आए हैं स्पेशली, ये दिल्ली बिरयानी वालों के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है और ये उनके लिए यहाँ पर किचन में जितना भी सारा उसके इंचार्ज ये खुद हैं। और इमरान भाई आपको कराची से लाहौर आके कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा, शुरू शुरू में परेशानी हुई थी, अब दिल लग गया है माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, चलो गुड है। बाकी ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि अपने एरिया को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना और स्पेशली फिर वहाँ एडजस्ट होना और चलना चलाना अपने सारी फैमिली, माशाल्लाह आप तो बल्कि आप फैमिली के साथ इधर मूव कर रहे हैं। तो लाहौर के लोगों के साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अभी तो इतना खैर वास्ता नहीं पड़ा क्योंकि गाँव से घर, घर से गाँव, ठीक है माशाल्लाह अच्छे हैं सब लोग, अच्छे हैं। खुश खुराक आपको लगा होगा यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा, कराची की निस्बत इनकी माशाल्लाह खुराक भी ज़्यादा डबल है। इंटरेक्शन इस वजह से नहीं क्योंकि ज़्यादा इनका काम किचन से रिलेटेड है, किचन से तो निकलते नहीं है। हाँ, और खुराक से आपने बिल्कुल सही बताया कि डबल है, ये खुश खुराक है लाहौर के लोग, इनको टेस्ट के साथ साथ क्वान्टिटी भी चाहिए, बिल्कुल क्वालिटी के साथ साथ। तो इमरान भाई आपका बहुत शुक्रिया और स्पेशली आपके, हाँ जी, और हम आपके हाथ के खानों के वैसे ही फ़ैन हैं, मैंने तो ऑलमोस्ट आपके हाथ की हर चीज़ टेस्ट की हुई है। तो ये आफ्ताब भाई हमारे जो इंग्लैंड से आए हैं, इन्होंने मुझे कहा था कि जी मैंने मास्टर बिरयानी खाने जाना है गार्डन टाउन बरकत मार्केट, ये जाते हैं इनको पसंद भी, तो इनको मैं ज़बरदस्ती इधर लाया हूँ। तो अब इन्होंने कहा कि जी मेरा ये नेक्स्ट टाइम से भी जब मैं पाकिस्तान आऊँगा मेरा एक विज़िट यहाँ पर लाजमी हुआ करेगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर टाइम मेरे पास ज़्यादा हो। हाँ अभी इन्होंने पुलाव खाने आना है, वो अनफॉर्चुनेटली अभी पहुँचे हैं तो ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट हम एक दफ़ा फिर विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। बता दिया कोई मीठा वगैरह भी बना देंगे जी, वो उस्मान भाई की तरफ से स्पॉन्सर होगा वो प्लान, तो इंशाल्लाह उसमें, हाँ उसमें जो है मीठे का आपको बता दिया जाएगा, तो वो भी साथ इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सर।